समाज कार्य कवरेज के लिए पत्रकार पर मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने हमला बोल दिया। पत्रकार अपना परिचय देता रहा लेकिन मुख्य विकास अधिकारी के हाथ नहीं रुके। इसी बीच उसका साथ देने के लिए सफेदपोश बीजेपी का नेता भी आ गया और उसने भी पत्रकार की पिटाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। घटना के बाद साथ गए पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में पीड़ित पत्रकार ने बताया कि वो लगातार अपना परिचय देता रहा, जिला मुख्यालय पर मीटिंग के दौरान भी लगातार कवरेज करता है। मुख्य विकास अधिकारी अच्छी तरह से पहचानते हैं, उसके बाद भी उन्होंने ये कार्य किया। पत्रकार मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना मियांगंज विकास खंड की है। पत्रकार कृष्णा तिवारी समाचार कवरेज के लिए जिला मुख्यालय से गया था, जहां पहले उसे कार से मारने का प्रयास किया गया। अराजक तत्वों ने पिटाई के साथ ही उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना में मियांगंज विकास खंड के निकट मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल कृष्णा तिवारी पर हमला बोल दिया उन्होंने। और कृष्णा तिवारी ने बताया कि कोई सिपाही मारता तो कहा जा सकता था कि पहचानता नहीं है, मुख्य विकास अधिकारी उसे अच्छी तरह पहचानते। इसके बाद भी उन्होंने उन्हें पीटा, कई जगह पर चोटें भी आईं। मुख्य विकास अधिकारी इस संबंध में डीएम और एसपी से बात करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका कोई भी मोबाइल आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। वहीं पर सीडीओ संघ बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पत्रकार पर हमले के विरोध में उन्नाव जनपद के सभी पत्रकार मियांगंज चौराहे पर धरने पर बैठ गए। मियांगंज इंकलाब में कवरेज करने के लिए आए थे, मतदान को लेकर एक सूचना मिली कि पीछे कुछ लोगों के साथ आपसी मारपीट करी जा रही है। वहाँ कवरेज करने गए थे तो वहाँ बच्चों से बात कर रहे थे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ था, तो बच्चे बता भी रहे थे कि यहाँ झगड़ा हुआ है, मारपीट, कुछ लोग मार पीट रहे थे। फिर उस लड़के भागने लगे, तब तक सामने से दो गाड़ियाँ आई, स्कॉर्पियो थी, उनमें से एक गाड़ी हम लोग बाइक को चलाने का प्रयास किया। जब हम गाड़ी नहीं साइड कर पाए तो सब लोग उतरे और हम मारने पीटने लगे, दो मेरे दोनों मोबाइल मौके तोड़ दिए।